नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे अपराजिता के पौधे के ऊपर कई सारे लोगों की समस्या आती है कि उनके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती पौधे की ग्रोथ तो काफी अच्छी होती है लेकिन उसमें एक भी फूल नहीं खिल पाता तो इन्हीं सारी समस्याओं के ऊपर आज हम बात करेंगे अपराजिता का पौधा एक बेल वर्गीय पौधा है इसकी जो बेल होती है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इस पौधे की जितनी ज़्यादा लंबी और घनी बेल होगी उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी मेरे अपराजिता में रोज़ अनगिनत फूल खिलते हैं इस टाइम पे दिन का टाइम है लेकिन आधे से ज़्यादा फूल सुबह ही पूजा के लिए निकल जाते हैं अपराजिता के पौधे में अनगिनत फ्लावरिंग के लिए हमें इस पौधे की समय समय पर देख करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम समय समय पर इस पौधे की देख करते हैं तो इस पौधे में अनगिनत फ्लावरिंग होती है सिर्फ जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम पर इस पौधे में फ्लावरिंग रुक जाती है लेकिन अगर ठंड के दिनों में भी पौधे को अच्छी खासी धूप मिलती है तब इसमें फ्लावरिंग अच्छे से होती है जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती उन जगहों में ये पौधा ठंड के दिनों में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे हमारा अपराजिता का पौधा पूरे साल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है अपराजिता के पौधे को दोस्तों आप जिस शेप में ढालना चाहें उस शेप में ये पौधा ढल जाता है एक मैंने अपनी छत पे इस तरीके से इसका आर्च बनाने की कोशिश की हुई है ये प्लास्टिक का पाइप है इसका एक सिरा मैंने एक गमले में डाला हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे सिरे में तो ये इस तरीके से छोटे से गेट का इसने लुक ले लिया है अभी इसे बनाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है धीरे धीरे ये घना होते जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा एक अपराजिता मैंने इस तरीके से लगाई है इसमें भी मैंने पाइप का यूज किया है लेकिन जैसे ही मैं पाइप को फोल्ड कर रही थी तो पाइप इसमें से यहाँ से टूट गया तो मैंने क्या किया जहाँ पर से ये पाइप टूटा वहाँ से मैंने लकड़ी की मदद से उसे बांध लिया और इस तरीके का इसे सेब दे दिया और धीरे धीरे इसमें भी अपराजिता की बेल जब अच्छे से भर जाएगी तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा अपराजिता के पौधे को आप कई तरीके से लगा सकते हैं अपराजिता के पौधे को आप जिस शेप में भी ढालना चाहते हैं उस शेप में ये ढल जाती है और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये पौधा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है तो आज हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं होती फर्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों इस पौधे को बिल्कुल खुला एरिया पसंद होता है जब आप इसे बिल्कुल खुले एरिए लगाते हैं तभी ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता है साथ ही इसमें तभी अच्छी फ्लावरिंग होती है कम से कम इस पौधे में फ्लावरिंग के लिए चार घंटे की धूप की जरूरत होती है अगर चार घंटे से कम की धूप पड़ती है तो पौधे में बहुत कम फ्लावरिंग होती है या फिर फ्लावरिंग होती ही नहीं है अगर आप इसे बिल्कुल छाया वाली जगह पर लगाते हैं तो हो सकता है पौधे की ग्रोथ अच्छी हो पौधा आपका पतला पतला सा ऊपर को बढ़ते जाएगा लेकिन पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी पौधे में फ्लावरिंग तभी होती है जब पौधे को अच्छी धूप मिलती है और खुला एरिया मिलता है तभी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगता है सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जब भी आपके अपराजिता के ऊपर जैसे ही फूल खिलता है उसके बाद जो फूल सूख जाते हैं उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे पौधे में भी कई सारे फूल खिलते हैं और मैं बहुत सारे फूल को तोड़ना भूल जाती हूँ जिसके कारण क्या होता है सिर्फ दो से तीन दिन में ही इसमें फलियाँ बनने लगती है अगर पौधे में बहुत ज़्यादा फलियाँ बनने लगेंगी तो पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाता क्योंकि पौधे की जो सारी की सारी एनर्जी होती है वो बीज बनाने में लग जाती है मेरे पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इसलिए इसमें इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आपका पौधा छोटा सा है और उसमें कई सारी फलियाँ बन गई हैं या फिर सूखे हुए फूल हैं तो वो पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा इसलिए टाइम टाइम पर इनके सूखे हुए फूल और इनमें जो ये फलियाँ बनती हैं इनको तोड़ते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि अपराजिता के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इस पौधे को घना बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसको घना बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना जो भी इसकी ये इस तरीके से जो आगे को टिप बढ़ते जाती है इसकी बेल आगे को बढ़ते जाती है आपको इसको पिंच कर देना है पिंच आपको इसमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है आप महीने में एक बार इस पौधे को पिंच कर सकते हैं क्योंकि जहां से हम पौधे को पिंच करते हैं उसके नीचे से नई नई शाखाएं निकलती हैं और पौधे में जितनी ज्यादा शाखाएं निकलेंगी पौधा उतनी ज्यादा फ्लावरिंग करेगा तो इस तरीके से आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तो पौधे की पिंचिंग करते रहें फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों जो अपराजिता का पौधा होता है इसमें डेली फ्लावरिंग होती है और जितने भी डेली फ्लावरिंग वाले पौधे होते हैं इनको अच्छी खाद की जरूरत होती है आप पौधे में जितनी अच्छी खाद देंगे पौधा उतनी अच्छे से ग्रोथ करेगा लेकिन खाद से जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स वही है कि इसे चार से पाँच घंटे की सनलाइट मिलना जरूरी है तभी जो ये खाद है ये काम करेगी तो इसमें आपको टाइम टाइम पर कोई ना कोई खाद देनी है अभी बरसात के कारण जितनी भी आपने पौधे में खाद दी होती है वो आधे से ज्यादा बह जाती है तो इस टाइम पे आप अपने पौधे को सबसे पहले कोई ना कोई सूखी हुई खाद दीजिए तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पौधे की गुड़ाई करनी है तो देखिए दोस्तों मेरे अपराजिता की जितने भी सूखे हुए फूल और जितनी भी पत्तियाँ होती है मैं इसी पॉट में डाल देती हूँ जो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर पौधे को अच्छी खाद देती है तो इसलिए जो भी आपके पौधे में सूखी पत्तियां और सूखे फूल होते हैं आप उसे पॉट में ही डाल दें अपराजिता के पौधे की जो गुड़ाई होती है वो आपको बार बार नहीं करनी है आप महीने में एक बार पौधे की गुड़ाई कीजिए महीने में एक बार अगर आप पौधे की गुड़ाई करते हैं तो वो काफ़ी रहता है क्योंकि कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा पौधे की गुड़ाई करते हैं तो जो इनकी ऊपर से जड़ें फैली रहती हैं वो टूट जाती हैं और पौधा हमारा मुरझा जाता है तो इस समय आप पौधे में दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट किचन कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद मैं इसे अभी गोबर की सड़ी हुई खाद दे रही हूँ ये दो मुट्ठी के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ मैंने इस पौधे में अभी तक ना ही वर्मी कंपोस्ट और ना ही गोबर की खाद डाली है ये पौधा सिर्फ किचन कंपोस्ट में ग्रो कर रहा है क्योंकि जब मैंने ये पौधा लगाया था मैंने उस टाइम पर इसमें किचन कंपोस्ट डाली थी उसके बाद मैंने इसमें कोई भी सूखी हुई खाद नहीं डाली है अभी मैंने इसमें ये दो मुठ्ठी गोबर की खाद डाल दी है गोबर की खाद हो या वर्मी कम्पोस्ट हो इसमें नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तो पौधे की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसके साथ ही एक एक मुट्ठी मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज के छिलके जो ये प्याज के छिलके हैं ये बारीक वाला छिलका है इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी होती है जो पौधे की फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है गमले में जहाँ पे भी खाली जगह दिखे वहाँ पे आपको प्याज के इन छिलकों को दबा देना है इनसे पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होता है जब हम इस तरीके से प्याज के छिलकों को मिट्टी में दबाते हैं तो मिट्टी हमारी काफी ज्यादा बुर बनती है इसके साथ ही पौधे को धीरे धीरे पोटेशियम भी मिलते रहता है आप हर 15 से 20 दिन में इस तरीके से प्याज के छिलके पौधे पर दबा सकते हैं इनका बहुत ही अच्छा पौधे पर प्रभाव पड़ता है तो इस तरीके से आप 15 से 20 दिन में इसमें प्याज के छिलके दबाइए आपके पौधे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी अभी बरसात के बाद अपराजिता के पौधे में कई सारे पेस्ट अटैक करते हैं इसके लिए आप घर में बना हुआ कोई भी लिक्विड इसमें डाल सकते हैं आप चाहे तो मार्केट से ला नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम के पत्तों का रस बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं या फिर आपके पास बेकिंग सोडा है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं या फिर सिंपली जो आपके पास हैंड वॉश या फिर शैम्पू है उसका भी लिक्विड बना के आप पौधे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं तो इस टाइम पे आप हर हफ्ते पौधे में कुछ ना कुछ छिड़काव जरूर कीजिए क्योंकि इस टाइम पे इसमें पेस्ट का अटैक रहता है और पौधे की जो पत्तियां होती हैं इस तरीके से ख़राब होने लगती हैं तो इसलिए पौधे को चेक करते रहना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस टाइम पर आप अपने अपराजिता के पौधे में ये काम जरूर कीजिए जिससे आपका अपराजिता का पौधा अच्छे से फूलों से भरा हुआ नजर आए वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद